सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा से लेकर बुनियादी शिक्षा में कई बदलाव करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु कम करने की मांग की है। आयोग ने कहा है कि सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए, जिसे साल 2022-2023 तक लागू कर देना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। इस रिपोर्ट का नाम स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग अलग सिविल सर्विसेज सेवाओं को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा भर्तियां भी सेंट्रल टैलेंट पूल के आधार पर होनी चाहिए। वहीं सभी राज्यों को भी केंद्र के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर 60 से ज्यादा अलग अलग तरह की सिविल सर्विसेज हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की औसत आयु 25.5 साल है और भारत की एक तिहाई से ज्यादा आबादी की उम्र इस समय 35 साल से कम है। इस रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकें। स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ये है कि अधिकारियों को उनकी शिक्षा और स्किल्स के आधार पर विशेषज्ञ बनाया जाए, जहां भी जरूरी हो लंबे समय के लिए अधिकारियों की निपुणता के आधार पर पोस्टिंग की जाए। हालांकि ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिले, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी जरूरी काम में लगाया जा सके।